भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बीजेपी पर जमकर निशाना साधने का कोई मौका नहीं चूक रहे। इसकी भानगी एक बार तब दिखी जब उन्होंने मध्य प्रदेश में यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान राहुल ने कहा कि बीजेपी युवाओं, किसानों और मजदूरों के दिलों में पहले डर फैलाती है और फिर इस डर को हिंसा में बदल दिया जाता है। बता दें कि महाराष्ट्र से गुजरने के बाद भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को मध्य प्रदेश पहुंची, जहां 12 दिवसीय यात्रा की औपचारिक शुरुआत हुई। इस मौके पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले, मध्य प्रदेश कांग्रेस के चीफ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत पार्टी के कई सीनियर लीडर मौजूद रहे। राहुल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा नफरत, हिंसा और डर के खिलाफ की जा रही है। इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि आज का हिंदुस्तान अन्याय का हिंदुस्तान है, जो हमें नहीं चाहिए। महंगे पेट्रोल और रसोई गैस के लिए आम आदमी की जेब ढीली हो रही है और उनकी जेबों से निकलने वाला पैसा 3-4 उद्योगपतियों के पास जा रहा है। राहुल ने एक 5 वर्षीय बच्चे को अपने मंच पर बुलाया जो डॉक्टर बनना चाहता था। राहुल बोले, ये रुद्र जो है 5 साल का है, ये जानता है कि ये डॉक्टर बनना चाहता है। ये कोई छोटी बात नहीं, इसने अपना सपना बना दिया है। अब ये उसके लिए काम करेगा और इनका सपना है कि एक दिन ये डॉक्टर बने। मगर आज के हिंदुस्तान में रुद्रा का सपना पूरा नहीं हो सकता। तो अगर आपको अगर रुद्रा को बनना है, डॉक्टर बनना है, तो लाखों रुपए पहले जेब से, माता पिता की जेब से निकलने होंगे, तो डॉक्टर नहीं बन पाएगा और उसको मजदूरी करनी पड़ेगी। ये है आज का हिंदुस्तान।